हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं ड्राइवरों के ही विषय में बात करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक ड्राइवर हूँ। और दोस्तों समस्याएं तो बहुत सारी हैं ड्राइवरों के साथ इस देश में, वो आप लोगों को पता है, जो भी ड्राइवर भाई होंगे वो जानते हैं क्या क्या समस्याएं हैं ड्राइवरों के लिए। लेकिन बस समस्या इस बात का है दोस्तों कि जो ड्राइवर भाई हैं ये खुद अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। हमने दोस्तों पिछले वीडियो में यही बात बोला था और आज फिर बोल रहा हूँ कि ड्राइवर अपने अधिकार के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाता है। अब भविष्य में ये तो ईश्वर जाने कि उठाएगा या नहीं उठाएगा, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग रूट की हम भी गाड़ी चलाते हैं, हमें पता है अभी बहुत सारे भारत के ऐसे राज्य हैं कि जहाँ बॉर्डर RTO है और बॉर्डर पर RTO फुल दादागिरी में पैसा लेता है। अगर कोई समस्या परेशानी भी बता दो, सुनने को तैयार नहीं, सुनने को राजी नहीं, चालान भी लेगा, इसके बाद चालान काटने के बाद एंट्री भी चाहिए हमेशा। और इधर मालिक अलग परेशान होता है क्योंकि एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है, वो प्रेशर डालता है ड्राइवरों के ऊपर। लेकिन अब कहा क्या जाए, हर कोई अंधा है बहरा है। जैसे कि कुछ ड्राइवर भाई भी हैं ये भी अंधे बहरे हैं। अगर मालिक और ड्राइवर एक साथ आ जाए तो सबसे पहले ये जो गंदगी है बॉर्डर RTO की, इसको समाप्त किया जाए। फिर देखिए इसमें समय भी बचेगा, क्योंकि बॉर्डर पर जाम लग जाता, अभी MP महाराष्ट्र का ले लो, बहुत जाम, कभी कभी एक एक दो दो तीन तीन घंटे, इसके बाद बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। और महाराष्ट्र का सिंधवा बॉर्डर तो ऐसा है कि इस बॉर्डर पे कभी कभी फाइल चेक करते हैं अंदर में अपने काउंटर में, परमिट गायब कर देंगे, कुछ और गायब छुपा के रख लेते हैं, बोलेंगे कि तेरा परमिट नहीं, ये है वो है, चलो फिर भैया 2000-3000 हो गया वसूली। क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ दोस्तों, मैं किसी के बताए के अनुसार नहीं कर रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो देखा है, जो मेरे साथ बीता हुआ है, मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। और जो इसमें ड्राइवर भाई देख भी रहे होंगे वीडियो, उनको भली भांति इस बात का पता है कि मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ। तो सबसे पहला समस्या तो ये है, अगर ये समस्या ख़त्म हो जाए तो टाइम बचेगा और फ़ायदा होगा मालिक का भी ड्राइवर का, क्योंकि खर्चा कम होगा तो ये तो फ़ायदा मालिक को जाएगा। दूसरी बात, ड्राइवर के लिए समय बचेगा, दो दो तीन तीन घंटा जो बॉर्डर में लग जाता है एक एक बॉर्डर में, कम से कम आराम तो कर सकता है ड्राइवर, टेंशन तो नहीं हो सकता कि मेरा टाइम टूट रहा, मेरा टाइम फेल हो रहा, मैं लेट हो रहा हूँ। तो एक समस्या ये हो गया। दूसरी समस्या, अभी टोल टैक्स फास्टैग लग गया, बहुत बढ़िया है सिस्टम, लेकिन इसमें भी इन टोल वालों का ज़्यादातर तो स्क्रीनर स्क्रीन ही नहीं कर पाता फास्टैग को, वहाँ भी टाइम लग जाता। ये मैनुअल स्क्रीनर इनके पास रहता है, कोई चाय पी रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई बात कर रहा, सुनते ही नहीं, वहाँ भी जाम लगा के रखते हैं 15-20 मिनट एक एक टोल पे, आधे घंटे भी लग जाते हैं किसी किसी टोल पे। तो बहुत सारी समस्या है, इनको टेक्निकल बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। अभी फास्टैग मेरे हिसाब से ख़त्म ही कर देना चाहिए। माननीय नितिन गडकरी जी ने तो बोला था 2022 लास्ट तक जो है फास्टैग को ख़त्म करके कुछ ऐसा टेक्निकल लगाएंगे, मतलब कि टोल रोड पे गाड़ी चलेगी, वो ऑटोमेटिक जितना दूर चला रहेगा कैलकुलेट होके सब वो कट के जो है अकाउंट से कटेगा और पे हो जाएगा। तो ये तो सराहनीय कार है, बाकी आगे देखो, अभी तो फिलहाल हुआ नहीं है, आगे कब होगा क्या होगा। तो यही सब बात है दोस्तों, ड्राइवर भाई हमारे जो हैं क्यों इतना, क्या इनकी ऐसी परेशानी है कि ये एक नहीं हो सकते हैं, इनका कोई संगठन नहीं बन सकता है, समझ के बाहर है। अगर संगठन नहीं बनेगा, ये एक नहीं होंगे, तो निश्चित ही जान लीजिए कि आने वाले समय में इस ड्राइविंग जो लाइन है ये इसके लिए तो ख़तरनाक है। क्योंकि अभी से देख लो, कोई आना तो चाहता नहीं है,
कोई नया लड़का अब ड्राइविंग में आने नहीं चाहता, वो बहुत सारी प्रॉब्लम बताने लगता है। आता है गाड़ी सीखने के लिए, चला जाता है, वो प्रॉब्लम बता के भैया ये अपने बस की नहीं है। पब्लिक का झेलना, गाली गलौज, इसके बाद मालिकों का कुछ व्यवहार गलत है, बहुत सारा चीज़ है। हम सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है मामला। आप लोग भी रोड पर चलते होंगे तो अक्सर देखने को मिलता होगा ये सब समस्याएं। तो दोस्तों यही सब समस्याएं हैं, कभी पब्लिक उलझ जाती है, कभी कोई उलझ जाता है। पब्लिक में तो ऐसे ऐसे हमारे महानुभाव भाई हैं कि वो बेचारे जो है फोकट में, अगर उनको एक मिनट लेट हो गया पास देने में, फिर भी उलझ जाते हैं। ना जाने कैसे कैसे दिमाग के लोग रहते हैं यार, ऐसे लगता है जैसे एकदम अशिक्षित। समझ में नहीं आता कैसी शिक्षा लिए हैं ये, क्या इनकी सोच है, क्या विचारधारा है, मेरे तो समझ में ही नहीं आता क्या ये लोग कैसा क्या समझते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं हैं दोस्तों। मैं तो ये कहता हूं कि अब ट्रकों में सीसी कैमरा लगाना चाहिए, कोई भी फालतू का दादागिरी नहीं करेगा फिर, और करेगा भी तो रिकॉर्ड रहेगा, पकड़ा तो जाएगा। लेकिन सरकार अगर इसको एकदम समझ लीजिए गंभीरता से ले, तो सरकार गंभीरता से ले इस बात को, सभी गाड़ियों में कंपनियों से बोल दें, जितनी मोटर कंपनियां हैं भाई, गाड़ियों में कैमरा लगा के दो, जो कैमरा चारों तरफ कवर करे गाड़ी के। फिर कोई गुंडाई करता, दादागिरी करता, कोई चोरी डकैती करता है, कम से कम रिकॉर्ड तो होगा, पकड़ा तो जाएगा। इसके डर से भी लोग फिर क्या है, उलझेंगे नहीं, गलत नहीं करेंगे। मान लो गलती भी हो जाता, कोई बात हो जाए, तो कम से कम गाली गलौज मारपीट तो नहीं करेंगे। तो यही सब है बातें अब। लेकिन इतना कौन सुझाव दे, कौन इसका डिमांड करे और कौन लागू करे, ये तो अब देखो भगवान ही जाने। जो मेरी बात थी, जो मेरा विचार था, मैं वो आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों का क्या प्रक्रिया होगा, कैसा होगा, वीडियो कैसा लगेगा, ये तो भाई आप लोग जान सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग ना तो लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, बस खाली क्लिक करते हो, वीडियो भी पूरी देखते नहीं। अब देखोगे नहीं तो समझोगे कैसे यार। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो भी वीडियो को देखो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और एक लाइक तो ज़रूर बनता है, कमेंट कर दिया करो वीडियो कैसी लगी, क्या समस्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो यही सब था दोस्तों, और इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, धन्यवाद।